कोरोना काल अभी चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इतनी भीड़ में क्यों वहाँ पे कोई इस तरह लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था, कोई रूल फॉलो नहीं था, उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब ये सारा लागू किसान पे ही होता है क्या? ये यात्रा निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, आप लोग उनको किसी को कुछ नहीं कहा। और कोरोना काल से तो भयंकर बीमारी सरकार है, जो सरकार के कानून है वो कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। कोरोना एक बार मारेगा, ये तो तिल तिल मारेंगे। संजीव बालियान साहब ने आप लोगों को कहा है कि अगर आप राजनीति में आते हैं तो वो आपका स्वागत करेंगे। नहीं नहीं, राजनीति में तो हमको तो आना ही नहीं है, वो अपना चुनाव लड़े, हमें कोई राजनीति का नहीं। हमारे इशू हैं, उन इशू को सोल्व करवावे। जैसे दूसरे लोग बीजेपी में रहते हुए किसान के पक्ष में बोल रहे हैं, जो एमपी एमएलए विधायक किसानों के पक्ष में नहीं बोल रहा, तो जनता उसका ध्यान रखेगी। संजीव बालान को किसानों के पक्ष में आना चाहिए, जनता ने उनको वोट दे रखी है, हमारी भारत सरकार से बातचीत करवावे। जैसे वरुण गांधी ने कहा, सतपाल मलिक ने कहा है, तो ऐसे ही जो किसान विचारधारा के लोग सरकारों में शामिल हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि वे आगे आए, सरकारों से कहें कि किसानों से बातचीत शुरू करो, जो मसले हैं इनका समाधान करो। हमको कोई राजनीति नहीं करनी है।